सर हम विकसित भारत की बात करते हैं वी टॉक अबाउट फ्रेश ग्रेजुएट्स शुड एम टू बिकम जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर बट सर आज की डेट में द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 80 से 90 परसेंट स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स आर फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट अ जॉब तो आज का डिस्कशन में, में मेरा एम ये है कि वी विल गिव दम अ प्रॉपर रोड मैप जिससे कि वो जॉब क्रिएटर बन पाए लेट्स से एक 24 इयर्स का व्यक्ति है जिनके पास एक जॉब है बट उनके एस्परेशन बड़े हैं उनको फाउंडर बनना है सी बनना है वेल्थ क्रिएट करनी है तो उनको हम एक प्रॉपर रोड मैप देंगे कि एक घंटे बाद येस yes, आपके पास एक मेंटल मॉडल होगा एक रोड मैप होगा जिसको फॉलो करके इन फ्यूचर आप कुछ कर सकते हैं साउंड गुड साउंड्स गुड ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने आईआईटी आई बॉम्बे में इस बार सेवेंटी फाइव प्लेसमेंट हुई विच इज़ ट्रेन मतलब आईआईटी बॉम्बे इज़ द बेस्ट आईआईटी आई एम अहमदाबाद में जो मैक्सिमम सैलरी थी वो वन करोड़ की जगह 50 लैक्स पे गई तो यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट और ये बहुत बड़ा डिजीज़ है इंडिया का बिकॉज वी आर वी हैव ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जितना भी ट्राई करो अगर uh, एक रिसर्च के हिसाब से कि अगर जी डी पी एट टू फिफ्टीन परसेंट थर्टीन परसेंट के बीच में ग्रो करता है तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट कम कर पाते हैं और इंडियन इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी जीडीपी को ज़्यादा ग्रो कराने में इश्यूज़ आते हैं जैसे कि हमारा 85 परसेंट ऑयल वो इंपोर्ट करते हैं हम तो इस तरह से इकोनॉमी के कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं बहुत ज़्यादा सर्विसेज बिजनेस पे रिलाई करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज मनी मैनेजमेंट लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इज़ नाउ पिकिंग अप Uh, तो वो एक वीकनेस है एग्रीकल्चर इज अ ड्रैग ऑन द इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 50 परसेंट से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है बट इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 15 परसेंट टू द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री तो फार्मर के पास पैसे का प्रॉब्लम रहता है तो गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर रखा है फार्मर को और टैक्स फ्री करने के अलावा फार्मर को बहुत सारे सब्सिडीज़ और वो देने पड़ते हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं देने पड़ते यूरोप वाले भी देते हैं यूएस वाले भी देते हैं जापान वाले भी देते हैं सभी देते हैं नहीं तो वो हमारे फार्मर कंपीट नहीं कर सकते छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकते बहुत इश्यूज़ हैं तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक चौबीस साल का जो आ, बच्चा है वो एक एकेडमिक और कॉरपोरेट के कॉन्फ्लुएंस पे बैठा हुआ है उसके सामने ऑप्शन है कि उसने ग्रेजुएशन करी है अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब की तरफ जाए या ऑन्टप्रनोरशिप करके स्टार्टअप इंडिया के अंडर कुछ लगा ले या फिर वो खुद का सर्विसेज बिजनेस खोल ले तो वो सारी ऑप्शंस माइंड में आती हैंचुअली uh, ये जो जॉब का जो मैंटालिटी है वो मिडिल क्लास हमारी हर मिडिल क्लास कहती है कि देख भाई इतना पैसा नहीं है कि तेरू तेरे को रिस्क लेने के लिए हम मनी दें तो इसलिए टेक द इजी पाथ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर हमें और तू अपना कमाना शुरू कर तो वो अच्छी डिग्री कर पढ़ाई कर और उसके बाद एक जॉब पकड़ ले और वो ये मैंटेलिटी रहती है अब इस मैंटेलिटी में मेरे को कोई बुराई नहीं दिखती कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबको एक ही चीज़ करनी है लोग जॉब भी करेंगे बिजनेसेस भी करेंगे वो है लेकिन जस्ट बिकॉज आप रिस्क एवर्स हो इसलिए आप बिज़नेस ना करो तो ये गलत चीज़ है उस चीज़ को सॉल्व किया है गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम इन्वेस्ट इंडिया और उसके बाद एंजल एंजल इन्वेस्टर्स इतने लोग बन गए शार्क टैंक देख के तो ये प्रॉब्लम कही कहीं ना कहीं सॉल्व हुई कि पैसा मिलना शुरू हो गया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और एक्सपोजर लेवल्स आजकल डेटा डेमोक्रेटाइज हो चुका है इट इज़ सो इजी टू फाइंड एनीथिंग। चैट जीपीटी है और वो है और uh, जो 500 हंड्रेड इनक्यूबेटर्स गवर्नमेंट ने खोले थे हर कैंपस के अंदर उसमें से सौ बहुत एक्टिव हैं तो इसलिए यू यू नो एनी बडी यूज़ ए ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड वो सही जगह पे बैठा है इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंगानी अपॉरचुनिटीज की कमी नहीं है वी आर स्लोली बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड विद द सप्लाई चेन्स ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो बहुत सही टाइम पे उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ऑन्टरप्रनोरशिप भी कर सकता है बाकी इस एज में अगर आप ब्रॉड प्रिंसिपल्स देखो कि एक बच्चे को क्या करने चाहिए उसको कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी चाहिए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल वो होता है कि भाई मैं ऐप बना सकता हूँ मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ सॉफ्ट स्किल वो होता है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल मेरा पीपल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइट। तो ये है और जैसे सदगुरु का मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था तो उन्हों वो जो सबसे बड़ी टीचिंग देते हैं वो ये कहते हैं कि आपको जैसी चीज़ है वैसी दिखनी चाहिए और वो आपको तभी दिखेगी अगर आप माइंड में सॉर्टेड हो गए तो।, तो आपके फंडे तभी क्लियर होंगे अगर आपने लाइफ को समझा है कि ये कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें वहाँ पे हमें मेडिटेशन का प्राणायाम का योगा का इन सब चीज़ों का मैं बोलूँगा कि यंग एज वालों के पास पेशेंस नहीं होती तो मेडिटेशन से अच्छी प्राणायाम से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप कर सकते हो पेशेंस डेवलप करने के लिए तो इन चीज़ों का भी सहारा लेना चाहिए और अपने अंदर इन्वेस्ट करो मैं आज एक नया स्किल सीखूंगा आई एल पे फॉर इट मैं आज आपने पॉडकास्ट शुरू करी यंग एज में राइट तो आपने कुछ हटके किया ट्राई किया सक्सीड करने के लिए और यंग एज में नहीं रिस्क लोगे तो कब लोगे बाद में जाके तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है लोग पंद्रह साल बीस साल जॉब करते हैं एंड सडनली वो मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है मेरे को ख़ुद फील हुआ कि यार मैं कर क्या रहा हूँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ अगर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो मैं क्यों करना चाहता हूँ पैसा तो कमाना है देखो घर तो चलाना ही है बट बियॉन्ड दैट जब पैसा अकाउंट में हो जाता है कुछ तो आप ये सोचने लगते हो वाई नॉट लुक एट इट एट द यंग एज तो यंग एज में आ, मेरे हिसाब से सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करनी चाहिए अपना पर्पस लाइफ का फाइंड करना चाहिए पता करना चाहिए और प्रज़ेंट uh, मोमेंट में रहना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पास्ट में मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया या फ्यूचर में मेरा क्या होगा कैसे होगा आज आज जस्ट थिंक अबाउट टुडे नॉट वेस्टिंग टुडे सर आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि आज की डेट में 24 साल का व्यक्ति इंडिया में स्पेशली बहुत अच्छे पॉइंट पे है दे कैन डू अ स्टार्टअप दे कैन डू अ जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन है उनके लिए बट प्रॉब्लम सर ये है कि हाउ कैन दे दम फिगर आउट कि मैं खुद स्टार्टअप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ प्रॉब्लम यह आती है कि वो चौबीस साल का व्यक्ति और उनके पेरेंट्स कि बीच में कॉन्फ्लिक्ट है आपने खुद बोला कि यार हमारा पेरेंट्स का ये होता है कि जॉब कर लो सेटल हो जाओ तो हाउ कैन फर्स्टली दे कन्विंस देर पेरेंट्स एंड सेकेंडली खुद को कैसे मनाए कि हाँ आई कैन एक्सपेरिमेंट आई कैन टेक दिस रिस्क दो चीजें हैं इसमें एक तो ये है कि एथिकली स्पीकिंग आपको वो वाला बिजनेस करना चाहिए अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो जो चीज़ आप खुद बाय करोगे अगर मैं ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदूंगा अगर आप कन्विंस्ड हो तो फिर आप दूसरों को ऑफ़र करो तो ये भी एक स्टेज आती है लाइफ में जब आदमी इस तरह से सोचता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ बट इसमें कुछ रियल वैल्यू एड नहीं हो रही लेकिन करते हैं लोग कर रहे हैं अलग अलग टाइप के बिजनेसिस दूसरी चीज़ यह है कि पेरेंट्स की जहाँ तक बात है देखो आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अपनी जो जो सेफ्टी वॉल्व है जो आपकी ऐसी पूंजी है जिसको आपने ओल्ड एज के लिए रखा हुआ है आप उसको मेरे रिस्क में निकाल दो लेकिन एक स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो शुरू में फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक राउंड होता है या एंजल इन्वेस्टर जो आपके जान पहचान वाले हैं तो उनसे छोटा बहुत पैसा लेना पाँच लाख दस लाख पंद्रह लाख जस्ट टू स्टार्ट और उसके बाद आप गवर्नमेंट से पच्चीस लाख पचास लाख ग्रांट्स भी ले सकते हो उसके बाद एक्सिलेटर इंक्यूबेटर हैं वो आपको पच्चीस से चालीस लाख देते हैं उसके बाद फिर द मनी इज़ अवेलेबल लेकिन आपका प्रपोजिशन कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने निकले लाइफ में जिसके लिए आप एक कंपनी बना रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए और आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप अगर कन्विस्ड हो तो आप इन्वेस्टर को भी कन्विंस कर लोगे मैं तो इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि ऑल यंग एज में बींग एन इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन आप उसी बिजनेस को एज एन इन्वेस्टर अगर देखो कि मैं इसमें पैसे डालता या नहीं डालता तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि वो बिज़नेस मुझे करना चाहिए या नहीं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आप जॉब कर लो उस कंपनी से सीख लो मैं इतने लोगों के नाम आपको बता सकता हूं जो लाइफ में बिज़नेस कर रहे हैं और किसी जॉब से सीख के आए थे बिज़नेस सीख लिया और ख़ुद का सेट कर लिया इसमें कोई भी दर इज एप्सोल्यूटली नथिंग रॉन्ग इन इट सर इज़ इट फेयर टू से आज की डेट में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी है बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी है ट्वेंटी परसेंट वर्ल्ड के आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फॉक्सकॉन uh, का वर्ल्ड ओवर नाम है इन टर्म्स ऑफ हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा बदनाम भी है ओवरवर्क का इशू है वहाँ पे बट बट यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी तो यहाँ पे हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है विद टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप देखो जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लगे हैं इंडिया में ओवर द लास्ट प्रॉब्ली मेक इन इंडिया स्टार्ट होने के बाद उसमें इतने प्रोजेक्ट्स लगे हैं और इट इज बूमिंग मतलब इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हो आप सो हाउ कैन समन फिगर आउट कि मैं सॉफ्टवेयर करूँ मैं हार्डवेयर करूँ मैं किस डायरेक्शन में जाऊं हाउ कैन समय फिगर आउट दैट देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक जर्नी है कि आपको क्या पसंद आता है जैसे मैंने विद टाइम रियलाइज़ करा मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और मुझे कॉर्पोरेट में ही पता चल गया था वो डेलॉइट में मेरी जो पार्टनर थी वो कहती थी तो शार आज क्या कर रहा है मैंने कहा ये चार असाइनमेंट कर रहा हूँ यार एक बच बच्च, सब बच्चों बच्चे बोलते थे इस टीम को ना उनके लिए एक प्रेजेंटेशन दे दे उनको ज़रा ये सिखा दे तो उसको पता था कि ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है तो मैं समझ गया मैंने कहा यार पार्टनर मेरे को बोल रही है कि मैं सीनियर लोगों को और बच्चों को सिखाऊँ तो तो वैलिडेशन मिल गया मेरे को बहुत जल्दी तो जब आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं तो आप जॉब से निकाल दिए जाओगे तो आपको रियल प्रेशर फेस होता है और टाइमलाइंस होती हैं क्वालिटी का इश्यू होता है तो आपका नॉलेज जो लर्निंग ग्राफ है वो ऐसे भागता है तो वो लर्निंग ग्राफ आप खुद भी लाइफ में ला सकते हो जल्दी सीख सकते हो आप खुद भी आजकल डेटा का तो कोई इश्यू ही नहीं मतलब लोग पढ़ने जाते हैं ढाई करोड़ की फ़ीस देके आईवी आई ली कॉलेज में वो सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब वीडियोस पढ़े हुए हैं वो मतलब एजुकेशन तो आजकल मतलब ऐसा हो गया है कि तो इसलिए रास्ते बहुत हैं तो मतलब ऐसा मत आपको लगता है ना कि नहीं एक मिडिल क्लास वाला जैसे मैं बताता हूँ मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो उस टाइम पे लोग एमबीए कम करते थे लेकिन आ, मेरे को श्योर था कि मुझे एम करना है तो आप कई सालों के बाद आ, मेरे कुछ क्लासमेट्स ने बोला यार हमें पता होता ना कि हम टेक्सटाइल में ना फंसते हम भी एम कर लेते कुछ कर लेते तो उससे ज़्यादा बेटर रहता हमारे लिए तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर और ख़ुद के बारे में पता करना तो बड़ा सिंपल है आप आ, कोई चीज़ ट्राई करके देखो आपको पसंद नहीं आ रही है तो शुरू शुरू के करियर में तो लोग जॉब्स चेंज करते ही हैं आप शुरू में चेंज करके देख लो डिफरेंट से so, मैंने अपना देखा कि मैं ऑपरेशंस में बहुत बेकार हूँ लोगों को ऑपरेशन मैनेज करना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सॉफ्ट नेचर्ड का हूँ बट लेकिन मैं स्ट्रैटेजिक तरीके से और लीडरशिप प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस कि हमें कहाँ जाना चाहिए और वो चीज़ें मेरी अच्छी हैं तो मैंने फिर अपना करियर uh, भी उसी हिसाब से बना लिया राइट right. सर आज की डेट में ए आई है चैट जी पी टी है उसको आप बोलोगे इट कैन इवन मेक अ फुल्ली वर्किंग ऐप फॉर यू तो ऐसे टाइम पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन इंडिविजुअल्स ओन वैल्यू एड उनको ये लगता है कि यार अगर ए आई ये कर सकता है तो हम ये बिल्ड करके इसमें क्या अलग कर सकते हैं सो हाउ कैन समबड़ी अ यंग पर्सन इन टूडे टाइम फाइंड दर ओन वैल्यू एड देखो ए आई कभी भी ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट के लेवल पर नहीं आ पाएगा अब मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे को अपने वीडियोस पोस्ट करने थे सोश, सोशल मीडिया पे तो उसका मुझे जो बॉडी ऑफ द पोस्ट था वो चाहिए था तो मैंने अपने एक टीम को दिए उसने मेरे को दो दिन में बना के दे दिए फॉर थ्री हंड्रेड वीडियोज़ तो मैंने कहा दो दिन में थ्री हंड्रेड तो मैंने देखे वो सारे चैट जी से बना के दे दिए अब वो जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर सकती बिकॉज वो अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग है अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने मुझे अप्रोच किया था दैट वी वांट टू राइट अबाउट यू तो 1500 वर्ड्स मांगे थे उन्होंने कि आप थोड़ा दे दो हम फिर बाद में चेंज कर लेंगे तो मैंने फिर अपना किसी टीम को दिया अब वो जो लैंग्वेज इट इज़ नॉट इट इज़ मशीन लैंग्वेज मतलब तो ए कैन हेल्प यू द बिगेस्ट आई वुड से बिगेस्ट ट्रेट पोजेस इन टूडेज टाइम इज़ हाउ टू यूज़ ए आई तो अगर आप ए को यूज करना जानते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी वो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा स्किल है और आ, उस तरह से मैं देखता हूं एआई को सर आप इतने फाउंडर्स में इन्वेस्ट करते हो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपने क्या रियलाइज किया इतने सालों की जर्नी में कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट हो एक पर्टिकुलर स्किल हो विच डिफाइन्स वेदर सम वन विल बिकम सक्सेसफुल और नॉट यू शुड नो योर सुपर पावर जैसे वीसी इंडस्ट्री में बोलते हैं सीक्रेट सॉस तो वो वीसी क्या ऐसा ठीक कर रहा है जिसकी वजह से उसके हिट्स लग रहे हैं वो अच्छी कंपनीज में डाल पा रहा है वो सीक्रेट सॉस बोलते हैं उसी तरह से हम सबके अंदर एक सुपर पावर होती है जैसे मेरी सुपर पावर ये है कि मैं बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर लेता हूँ अब ये इनबॉर्न है मतलब ये मैंने डेवलप ओवर द इयर्स करी होगी सबकॉन्शियसली करी होगी बट मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे अगर एक सेट ऑफ पीपल से इन्वेस्टर्स बाकी इन्वेस्टर्स से मुझे कनेक्ट करना है तो इवेंट्स पे जाऊंगा बहुत जल्दी बातें स्टार्ट कर देता हूं बहुत जल्दी कनेक्शन बन जाता है इसका नुकसान ये है कि लोग बहुत जल्दी मेरे से क्लोज़ फील करते हैं और फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं तो फिर मुझे अपनी हेल्दी वो बनानी पड़ती हैं लिमिट्स बनानी पड़ती हैं तो वो है और आ, Uh, दूसरी इंस्टिंक्ट है कि यू लव योर सेल्फ का टाइम uh, इधर से मनी प्रेशर है कमाने का हेल्थ प्रेशर है uh, क्योंकि शुगर और बीपी और कोविड के बाद लंग्स और हार्ट दोनों सबके वीक हो गए हैं तो ये इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं जिम में गिर गया उसके बाद हाँ तो हेल्थ उसके लिए भी टाइम देना है अच्छा पेरेंटिंग तो आजकल ऐसी हो गई है कि जैसे परफेक्शन उसी में लाएंगे हर कोई मतलब आप इतना परफेक्शन करके पेरेंटिंग करने की कोशिश कर रहे हो कि बच्चे को ड्रॉप भी कर रहे हो पिक भी कर रहे हो फिर सुबह यहाँ भी लेके जाना है फिर वहाँ भी लेके जाना है कि आपकी सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट ये होनी चाहिए दैट यू शुड लव योर सेल्फ़ आप अपने ऊपर खर्च करो अपनी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए जो चीज़ आप लाइक करते हो उसमें अपने आप को फुटबॉल खेलो आपको फुटबॉल पसंद है टाइम निकालो फुटबॉल खेलो जिम जाओ मेरा एक क्लाइंट था उसकी आ, आ, वेरी स्मार्ट गाय बॉम्बे में हज़ार करोड़ की कंपनी है तो, तो वो वो मतलब उसको ना एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पसंद आया हुआ है जो वो नहीं होता ओलंपिक में जो वो कैसे मारते हैं वो पढ़े हाँ तो वो स्पेशली उसने उसका ट्रेनर लगाया हुआ है और वो उस स्पोर्ट को खेलने के लिए आपको फिट होना पड़ता है लीन एंड थिन होना पड़ता है एंड नॉट बल्कि तो उसने वैसी फिजीक बनाई हुई है अब वो वो पूरे टाइम काम करता रहता है इतना हज़ार करोड़ की कंपनी मैनेज करना कोई आसान काम तो है नहीं लेकिन वो हमेशा ही लुक्स फॉरवर्ड टू यार मैं प्रैक्टिस के लिए कब जाऊँगा तो सेल्फ लव है ये और आजकल डिप्रेशन आपको मतलब लोगों की जो सहने की शक्ति इतनी कम हो गई है तो आ, और स्क्रीन इतनी सारी हो गई है दस दस घंटे लोग मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं बैठ के तो माइंड ना बहुत थका हुआ रहता है डिप्रेशन जल्दी हो जाता है तो ये सारी इंस्टिंक्ट्स आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन और आपको आपके कौन से ट्रेट्स हैं जिसको आपको आगे प्रमोट करना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए और सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जिनकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं आपको लाइक like करते हैं और जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग टाइप के होते हैं ना जो एनर्जी को बिल्कुल एब्जॉर्ब करके आपको खाली करके छोड़ देते हैं उनसे दूर रहो राइट लाइफ पार्टनर अपना बहुत ध्यान से चूज़ करो बिकॉज़ पूरी जिंदगी का मामला है बॉस तो बहुत सोच समझ के चूज करो सर हाउ कैन सब बड़ी फाइंड दोपल राइट मैं राइट को फाउंडर राइट टीम मेट्स मैंने जब uh, स्टार्टअप फील्ड में आया उससे पहले कॉरपोरेट में था तो कॉरपोरेट में तो आप ऑफिस जाते हो वहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल है कभी कभार ऑफ साइट हो जाती है जिसमें आपको एक सोशल गैदरिंग मिलती है बट अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो आपको बहुत अपना व्यवहार बिल्कुल आपको आप यू नो लाइट बातें नहीं कर सकते और आप यू नो यू हैव टू बी इन अ सर्टन वे तो आप यू कॉन्ट बी योर इन मैनी में जो आप दोस्तों के साथ कर सकते हो वो आप वैसे तो आपको नेटवर्किंग की नॉलेज बहुत सारे कॉर्पोरेट वालों को मिलती नहीं है कि नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है लेकिन जब मैं स्टार्टअप फ़ील्ड में आया तो जब मुझे पहली बार वेंचर कैपिटल टीवी वालों ने अप्रोच किया तो मैं गया उसमें पैनल डिस्कशन पांच कंट्रीज़ के पांच लोग आए हुए थे तो शुरू में उनसे बात हुई फिर बाद में नंबर्स एक्सचेंज हो गए फिर फिर मेरे को किसी ने इवेंट में बुलाया कि सर आप यहाँ पे वो करो बी एच ज्यूरी जज बन जाओ उसके बाद सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं बात कर रहे हैं एक्सचेंज कार्ड कर रहे हैं तो मैंने ये देखा कि कितना आसान है नेटवर्किंग करना और यंग एज वाले बच्चे ना उनके माइंड में इतने प्रेशर्स होते हैं कि वो सहजता से वो नेटवर्किंग कर नहीं पाते उनको लगता है नहीं सर मैम सर मैम मतलब तो वो दे आर नॉट देम इस मामले में अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम जो आई है और अमेरिकन है दे, दे दे से कि आप बी और सेल्फ खुद सोचो खुद करो तो वो एक रहता है बट नेटवर्किंग इज़ वेरी इजी आप इवेंट्स पे जाओ ब्लॉग लिखो जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो ब्लॉग लिखो फिर उस ब्लॉग को सोशल मीडिया पे डालो फिर सबके साथ इंटरेक्ट करो फिर जो आपको अपनी अलाइनमेंट वाले लोग दिख रहे हैं उनसे नंबर्स एक्सचेंज करो उनके साथ गूगल मीट रखो उनसे बोलो कि देखो मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ ये मुझे क्लाइमेट का बहुत पसंद है तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे कि अच्छा मैं भी करना चाहता हूँ इसमें ऐसे कर ले वैसे कर ले तो आपको गाइडेंस मेंटर्स आपको बहुत मिलेंगे बट नॉलेज से ज़्यादा नथिंग बीट्स डूइंग इट प्रैक्टिकली तो मतलब वो प्रैक्टिकल अगर आप कुछ डेवलप करो और डेफ़िनेटली बहुत आप ये मान के चलो कि अगर आप नेटवर्किंग में किसी टाइप के लोग ढूंढ रहे हो तो वो लोग भी आपके जैसा बंदा ढूंढ रहे हैं तो इसलिए रिलैक्स मतलब डोंट बी अंडर प्रेशर इट इज़ नेटवर्किंग तो ये है बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो लाइक माइंडेड व्हाट्सएप ग्रुप्स कर सकते हो और आ, और यू नो अगर आप ब्लॉग से एक लेवल ज़्यादा जाना चाहते हो तो रील्स और शॉर्ट्स अपने बना के डालो अबाउट यू नो द टॉपिक इन विच यू आर इंटरेस्टेड तो आपको कनेक्ट होगा लोगों से अभी पीछे सर नारायण मूर्ति सर का स्टेटमेंट आया था कि इफ पेरेंट्स आर वॉचिंग मूवीज दे कांट आस्क द चिल्ड्रन टू स्टडी मैं तो बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता उसका ये रीज़न है कि हम अपने ले कमाते हैं हम कमाई के लिए नहीं एग्जिस्ट करते मतलब इसको मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि हम कमाने के लिए पैदा हुए हैं या फिर कमाई इसलिए पैदा हुई है कि हमारी लाइफ अच्छी रहे एंड ऑफ द डे द पर्पस इज़ अ हैप्पी पर्सन हेल्दी पर्सन और अगर ग्लोबल आप मल्टीनेशनल्स देखो वो एम्प्लॉ उनका उनको पता है जो हमारा एम्प्लॉई है वो फेस ऑफ द कंपनी है तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा लेंथ जाती हैं कि उसको कंफर्टेबल रखें एम्प्लॉय को इंडियन मेंटालिटी है कि सत्तर घंटे काम करो हफ़्ते में और यही बंदा अपने बच्चों को इंडिया के बाहर भेजेगा क्योंकि वहाँ पे छत्तीस घंटे काम होता है हफ्ते में वो कहेगा कि नहीं सत्तर घंटे काम मत करो तो मतलब सत्तर घंटे का अगर उनका मतलब ये था कि मेहनत करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लेनी चाहिए तभी आपको सक्सेस मिलेगी तो समझ में आता है लेकिन अगर उनका मतलब ये था कि उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉज सत्तर घंटे डालें काम में तो बॉस मुझे वो तो आई डोंट फाइंड इट राइट और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली कि मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए आ, मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रेंज मेरी जो दादी जी थी वो बचपन से ही मेरे को बोला करती थी बेटा थोड़ा मूवीज़ और इन चीज़ों से दूर रहिए हो तो मैं सिंगर था गाता था तो मैं उनके आगे गाता रहता था पिक्चरें देखता रहता था तो वो कहती थी कि तू लाइफ में आगे बढ़ना है ना इसको थोड़ा कम कर तू तो उस सेंस में मुझे लगता है कि मूर्ति जी ने बोला होगा कि इट इज़ इट इज़ नॉट टाइम विच इज़ एडिंग वैल्यू लेकिन उसको बंद कर देना कि मूवी ना देखो आज का बच्चा तो नेटफ्लिक्स और मतलब एंटरटेनमेंट के सोर्सेज अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट आप देख लो यार मतलब क्या तो वो मुझे गलत लगता है सर एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना काफी इंटरेस्टिंग लगा हो रही चीज़ है मेरे इस बारे में कि क्या एक फाउंडर बनना सबको एक्सेसिबल है या कुछ एक परसेंटेज ऑफ पीपल ही हैं जो एक फाउंडर बन सकते हैं आगे चल के बहुत अच्छा क्वेश्चन है संस्कार देखो कई लोग ना शार्क टैंक देख के और अश्नीर ग्रोवर को देख के और आ, उनकी लाइमलाइट इस इंडस्ट्री में लाइमलाइट बहुत है उस लाइमलाइट को देख के ना अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि बिज़नेस आपका तभी चलेगा अगर कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आएगा तो वो एक टारगेट ऐसा है ना कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विस पसंद कराना कि उसमें घोड़े खुल जाते हैं लोगों के तो कहने का मतलब यह है कि कि मतलब जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ़ इट यू हैव टू गो डीप इन टू द रीज़न्स बहुत लोग ऐसे हैं ना जो रीज़न बड़ा साउंड होता है जैसे मेरे एक आ, आई टी खड़गपुर के क्लाइंट हैं उन वो आ, एक फाइव स्टार चेन के कुत में हेड ऑफ डिज़ाइन थे एंड उनके वाइफ के मदर फादर को डिमेंशिया हो गया और बहुत बुरा ओल्ड एज भी थी उनकी तो इन्होंने इंडिया आ गए और इन्होंने ओल्ड एज एक बड़ा हाई एंड ओल्ड एज इंस्टीट्यूशन लगाया तो उनका रीज़न था कि उन्होंने मतलब एक्चुअली देखा कि ओल्ड एज में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने लगाया तो इसी तरह से मतलब वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं रादर देन आपको ये सोचना कि नहीं मैं करूँगा बिकॉज मुझे जॉब करने का मन नहीं है तो मतलब वो रीज़न से ज़्यादा ये रीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्यों कर रहे हो और आपने पूछा कि हर कोई बन सकता है फाउंडर आई डोंट थिंक सो तो हर 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 एक के लिए हर चीज़ बनी नहीं है आ, वो आपको करके ही पता चलता है बट डेफिनेटली कई स्किल्स होते हैं जो आप एक्वायर कर सकते हो अब मोदी जी के बारे में लोग कहते थे कि गुजरात से आए हैं और फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाएंगे? और फॉरेन पॉलिसी देखो तो उनकी नंबर वन चल रही है फॉरेन पॉलिसी हाँ मतलब आप देख लो सारे वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं ही इज द बॉस तो उन्होंने एक्वायर कर लिया बिकॉज ही इज कर्म प्रधान है तो तो कर लिया एक्वायर आई लुक एट इट दैट वे सर ऑन टू दिस पॉइंट ओनली इज समथिंग नोन एज गुड अपॉर्चुनिटी और बैड अपॉर्चुनिटी लेट मी एक्सप्लेन अभी आपने बोला कि हर कोई कैन बिकम अ फाउंडर ठीक है अब आज की डेट में कॉन्टेंट की वेव है तो हम बड़े क्रिएटर्स को देख के कोई बीस साल का व्यक्ति सोचता है कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ कॉनेट बनाना बट सात साल बाद आठ साल बाद ये बबल बर्स्ट हो गया तो so, जो टॉप पे था वो तो पैसा कमा गया बट जो उनको देख के स्टार्ट किया था वो कुछ नहीं कर पाया एंड सात साल वेस्ट कर दिया उसने अपने तो इज दर समथिंग नोन एज बैड अपॉर्चुनिटी एज वेल गुड अपॉर्चुनिटी और बैड अपॉर्चुनिटी का स्टार्ट करते वक्त पता चल जाता तो लाइफ में मतलब फिर तो कुछ एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं है फिर तो किसी भी एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत नहीं है सब कुछ गूगल से देखा कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसा होता नहीं है क्योंकि रतन टाटा ने एक बात बोली थी उन्होंने बोला था कि मैं कोई डिसीजन लेता हूँ मैं उस डिसीजन को बैड डिसीजन को गुड डिसीजन बनाने की तरफ एफर्ट करता हूँ कि अगर यार ये गलत डिसीजन हो गया लेकिन अब इसको ठीक कैसे करें इसको गुड डिसीजन बना देते हैं अब देखो उन्होंने एक टाइम पे सोचा कि हमें एक ग्लोबल कॉन्ग्लॉमरेट बनना है तो उन्होंने कोरस स्टील खरीद लिया यूरोप का जबकि यूरोप का लेबर काम ही नहीं करता सबसे पैम्पर्ड सबसे कम घंटे काम करने वाला और इसलिए वहां पे स्टील जैसी एम्प्लॉय लेबर हैवी इंडस्ट्री चलाना उसको महंगे में खरीद लिया यही उन्होंने जे और रेंज रोवर भी खरीद के गया यूके right. के ब्रांड जो लॉस में थे तो अब वो ख़रीद लिया उन्होंने इतने साल आज हो गए हैं तो उनका जे और रेंज रोवर का जो डिसीजन था वो सक्सीड कर गया शुरू में लॉस 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 बड़े परेशान रहे बट लगे रहे लगे रहे लगे रहे उसके उस टेक्नोलॉजी को इंडिया ले आए टाटा मोटर्स की कार जो ट्रक कहते थे लोग उसमें लॉन्च कर दी कार्स लीक हो गई चाइना में लॉन्च कर दिया तो वो सक्सेसफुल बना लिया कोरस को आज तक सक्सेसफुल बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं बिकॉज़ यूरोपियन गवर्नमेंट्स बहुत यू नो लेबर लॉ मिनिमम वर्किंग आवर्स पेइंग आवर्स सॉरी मिनिमम पेमेंट्स इतने लॉज हैं वहाँ पर उसको भी कोशिश कर रहे हैं उसमें भी बीच में बहुत अच्छी एक कोशिश की थी कि जो थाउजेंड ग्रुप वहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील ग्रुप था उसके साथ मर्ज कर लो मनोपली क्रिएट कर दो वो यूरोपियन रेगुलेटर ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि हम यहाँ पे मनोपली अलाउ नहीं करेंगे तो ये है कि गुड डिसीज़न बैड डिसीज़न एक बहुत जेफ़ बीजोस ने बात बोली थी कि डिसीजन दो टाइप के होते हैं टू वे डोर डिसीजन और वन वे डोर डिसीजन टू वे डोर डिसीजन मतलब कि मैं इस दरवाजे के अंदर घुस तो गया वो मेट्रिक्स में दरवाजे होते थे ना वाइट कलर के मैं घुस गया लेकिन मैंने देखा गलत है तो मैं वापस बाहर निकला और मैं दूसरे में घुस गया यानी कि उस डिसीजन को बाद में चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई इट वॉज फेयरली इजी लेकिन वन वे डो डिसीजन डिसीजन कि मैंने ये सोच लिया कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी प्लेटफॉर्म बनाऊंगा बाद में पता चला कि वो टेक्नोलॉजी ही गलत थी जैसे कि मैं एमटीएस में था टेलीकॉम कंपनी में तो रशियंस ने कहा कि सी टेक्नोलॉजी जो है ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है इसमें लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ती और ये मोर एफिशिएंट है कम टावर्स में ज़्यादा फोन्स तक जाती है इसलिए उन्होंने अडॉप्ट कर ली इंडिया में सारे चला रहे थे जी टेक्नोलॉजी क्योंकि जी के अंदर आ, आपके जितने भी रेंज ऑफ फोन्स आप लॉन्च कर सकते हो आपको किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है ओपन सोर्स था वो तो वो चला रहे थे लेकिन उसमें इश्यूज़ ये थे कि ज़्यादा टावर्स लगानी पड़ती थी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं और फिर वही हुआ बेचारी एम जब हम थे वहां पे तीसरे चौथे साल में तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ ग्यारह हजार करोड़ क्यों क्योंकि लोग सी डी के फोन खरीदते ही नहीं थे तो एक वन वे डोर डिसीजन ऐसा लिया कि वो पूरा दो ढाई बिलियन का लॉस दे के गया रिलायंस कम्युनिकेशंस ने भी यही किया था पहले सी में लॉन्च किया था फिर उसके बाद पता चला ये तो गलत लॉन्च कर दिया वो बाद में पैसे इतने लगाना नहीं चाहते थे तो सारे लोन लेके जीएसएम पे आए वो सारा डेट पड़ा बड़ा कंपनी खा गया तो डिसीजन आपको यही है जो टू वे डोर डिसीजन है वो तो आप डेलीगेट भी कर सकते हो आ, लेकिन जो वन वे डोर डिसीजन है थिंक हार्ड सिट ऑन इट टॉक टू टेन पीपल एंड देन टेक अ डिसीजन एंड स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलाई करो आप ये मत सोचो कि सारी चीजें आप ही कर लोगे रिलाई ऑन पीपल एक बहुत लाइन होती है जो हमारे इंडियंस को समझ में नहीं आती वो लाइन ये है पे एंड स्माइल आप देखोगे ना कभी वेस्टर्नर्स से बात करोगे या वो बोलेंगे आप पे एंड स्माइल पैसे दे और काम अच्छा करने दे hmm. इंडिया में कहते गए नहीं मैं क्यों दू मैं इसको भी बचा लूँ <laughs> मैं उसको भी बचा लूँ <laughs> Hmm, तो वो चक्कर में ना वो ऑलवेज लाइक गो विद स्पेशलिस्ट पीपल हु नो द थिंग जिन्होंने इतने साल करा है सर हम टैप इन करें और नेटवर्किंग के बारे में ही मेरा क्या मानना है कि जो एक 24 साल का व्यक्ति है जो कॉलेज से ही निकला है जस्ट अभी उनको नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता प्योर नेटवर्किंग इज ओवरहाइप्ड नवल रविकांत उज द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बिलियन डॉलर कंपनी आई थिंक एंजल लिस्ट उसने बोला था कि यार ये नेटवर्किंग क्या होती है नेटवर्किंग से सॉल्व कर लेंगे उसने बोला अगर आप एक पर्टिकुलर स्टार्टअप कर रहे हो सपोज और आप इस एरिया में काम कर रहे हो आप अच्छा काम कर रहे हो ना आपको जो लोग उस काम को सपोर्ट कर सकते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं उसको बेनिफिट कर सकते हैं वो आके मिलेंगे आपसे और आप एक इवेंट करते हो यू आर सीन ऑन द स्टेज नेचुरली नीचे वाले लोग आपको विजिटिंग कार्ड देने आते हैं तो उस टाइम पर अच्छा ये चीज़ कर रहे हो ये एक एनर्जी है पॉसिबल है अब प्योर नेटवर्किंग क्या होता है कि आप वहाँ पर जाते हो सर मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ और आ, सर, किसी भी टाइप की चलेगी सर और कहीं भी चलेगी सर हाँ कुछ भी चलेगी अब ज़्यादातर चांस यही है कि अगर आप ऐसी प्योर प्ले नॉट नेटवर्किंग करोगे तो आ, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको वैल्यू नहीं देगा तो इसलिए इसलिए पर्पज पर्पजफुल नेटवर्किंग इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड कि सर और उसमें भी मतलब आ, अगर आप थोड़ा सा सेट बैक करके सोचो आज मैं तीन लोगों से मिला था मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है स्टार्टअप न्यूज़ के फाउंडर है मधुर मलिक वो बंदा शाम को साढ़े छः बजे ऑफिस से निकलता है छः बजे निकलता है और एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाता है और वो दो घंटे सोचता है इस हफ्ते में उससे मिला था और अच्छा एक ना इससे मिला था इसमें मैं ये पॉसिबिलिटी है वो पूरा नोट डाउन करता है और वो डॉट्स को कनेक्ट करता है जैसे बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स और अच्छा इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये ऑफ़र कर देता हूँ और वो अचानक से एक दिन उसका मैसेज आएगा या तुषार उस दिन मिले थे ना तो ये एक चीज़ है मैं को इसलिए कैसे सोच ली तो वो उसने एक माइंड मैपिंग की हैबिट बना रखी है तो वो नेटवर्क को वैल्यू ऐड करती है क्योंकि लोगों का टाइम इम्पॉर्टेंट है देखो जिस तरह आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है और तो जितना आप उसको मीनिंगफुल बना सकोगे जितनी ज़्यादा डॉट्स को कनेक्ट कर सकोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है और एक एलिवेटर पिच एलिवेटर पिच होती है जो शॉर्ट शॉर्ट पिच होती है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में मे बी मे बी लाइक योर स्टार्टअप के डिस्क्रिप्शन हो गया शॉर्ट उसको रट्टे मार लो और जब भी किसी से मिलो वो जो सो हाई तो उसको वहीं पे दो मिनट की अपनी एलिवेटर डाल दो वो आपको इतना हेल्प करेगी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनेंगे आ, अच्छा लोग आजकल क्या करते हैं किसी से मिलते हैं तो पहले गूगल चेक करते हैं तो गूगल प्रेजेंस बनाओ अपनी कि कोई आपका नाम सर्च करे अच्छा ये बंदा ये कर रहा है अच्छा इसका एक आर्टिकल देखा मैंने ये देखा मीडियम पे ब्लॉग देखा मैंने इसका ये वीडियो देखा ये वहाँ पे इवेंट अटेंड की थी उसमें भी नाम आ रहा है इसका ये तो लोग थोड़ा सा जज कर लेते हैं तो एक ऑनलाइन प्रेजेंट बनाना बहुत ज़रूरी है सर आपने जो बात बोली ना अभी कि हाँ भाई ये जॉब भी कर लूँगा हाँ भाई ये रोल भी ले चलेगा वो रोल भी चलेगा तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है सेल्फ वर्थ कम हो जाती है तो सर इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं अपनी एक सेल्फ वर्थ एक पेडस्टल की हाँ इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा वो रखना कितना इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है इट इज़ इट इज़ अ सुप्रीम एक्ट ऑफ सेल्फ लव इट इज अ सुप्रीम एक्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड एंड यू नो कॉलेज में जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि हम एक कोकून में बैठे हैं और उसके बाहर वाले लोग अलग हैं है ना और तभी कोई गेस्ट लेक्चर के लिए आता है तो हम एकदम से फील करते हैं अरे यार ये क्या बोल के चला गया हमें तो ये सब पता ही नहीं है तो आप रीच आउट करो अपनी एलुमनाई से जो अच्छी जगह पे प्लेस है कि आप ये जॉब कर रहे हो तो इसमें क्या रहता है क्या करना होता है इसमें आप फाइंड आउट करो आपको लोग बताएंगे लिंकडिन लिंकडिन तो माता है नेटवर्किंग की लिंकडिन पे आप रीच आउट करो लोगों को आपको लोग टाइम देंगे बताएंगे पेड वाले भी होंगे जैसे मेरे पास कई बार इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं फिर टॉप मेट का अकाउंट दे देता हूँ यार बुक कर ले तू क्यों इतना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता तो तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को कहता हूँ भाई डिलॉइट में करोगे बिग फोर में करोगे प्रेशर तो होगा लेकिन दो तीन साल में इतना सीख जाओगे कि ट्वेंटी की एज से सिक्सटी तक का अपना फाइनेंस बिजनेस कर सकते हो इतना सीख जाओगे दो तीन साल में तो हर चीज़ को वो डिटेल में कह करते हैं पूरा तो आ, वो है और यही है मतलब बी बी अगर आप सोच तो आलस है कि नहीं कौन पूछे कौन करे तो फिर तो गलत डिसीजन लोगे ही लोगे फिर फंसोगे तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ सुप्रीम सेल्फ लव टू फाइंड आउट विच जॉब विल सूट यू बेटर द बिगेस्ट क्वालिटी लाइफ में जो मैं 48 की एज में देखा है मैंने इज हाउ बोल्ड यू आर आप बोल्ड कितने हो मतलब लोग ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और हम यहां बैठ के छोटे छोटे डिसीजन पे सोच रहे हैं लोग ऐसे ऐसे सौ करोड़ के पांच हजार करोड़ के दस हजार करोड़ के मोदी जी देखो बड़े बड़े डिसीजन और बिल्कुल परेशान नहीं होते तो मतलब अगर आपका इंटेंशन अच्छा है और पॉजिटिविटी है माइंड में और आप बिलीव करते हो कि दुनिया और बेटर हो सकती है और आप बिलीव करते हो कि मैं उसके अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता हूँ तो अगर आप ये सब बिलीव करते हो तो आप क्रिएट करके ले जाओगे बहुत सारी चीज़ें और ब्रेव बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आ, आ, दुनिया बनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है तो दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी और दूसरा ये कि हर चीज़ खुद करने की कोशिश मत करो बहुत लोग होते हैं जब बिजनेस करते हैं ना तो वो चीज़ को पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये खर मैं नहीं करूँगा तो परफेक्शन से नहीं होगी तो इट डजन वर्क लाइक दैट यू हैव टू लेट इट गो गेट अदर पीपल इन्वॉल्व इन योर विजन उनको अपनी जर्नी का पार्ट बनाओ तो फिर कारवा बनता जाएगा और आप डायरेक्शन में जाओगे और फिर सक्सेस मिलेगी सर व्हाट डू यू लुक फॉर वाई इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप पहले तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो फाउंडर में करते हो एंड इफ अगर आप फाउंडर में करते हो तो आप क्या देखते हो क्या क्वालिटीज़ हैं क्या उनका बैकग्राउंड आप देखते हो जितना 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 अर्ली हम स्टार्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं जितनी अर्ली स्टेज पे कर रहे हैं उतना हमें फाउंडर की शक्ल देख के करना पड़ता है जितना हम आगे जाते हैं उतना प्रोडक्ट की शक्ल रेवेन्यू की शक्ल डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं मार्केट मार्केट तो पहले ही देखनी पड़ती है तो जितना जल्दी जाओगे उतना फाउंडर की शक्ल पे जाओगे और सबसे रिस्की होगा बिकॉज अभी तो जर्नी पड़ी हुई है इतनी लंबी हाँ तभी आप देखोगे कि कई बार ना फाउंडर मेरे पास आते हैं कि सर हमें अभी बीस करोड़ चाहिए स्टार्ट करने के लिए तो मैं उनसे कहता हूँ यार बीस करोड़ स्टार्टिंग में कौन दे रहा है भाई कौन दे रहा है आप बता दो मुझे कौन दे रहा है मैं कंपनी शुरू कर लेता हूँ बीस करोड़ ले मैं ले लेता हूँ तो वो कहते सर उसने तो रेस करा है तो मैं कहता भाई वो पहले ही एग्जिट ले चुका है दो कंपनीज से सक्सेसफुल एग्जिट ही इज अ टेस्टेड गाय उसके ऊपर कोई बीस क्या सौ भी लगा देगा तो फाउंडर के ऊपर सबसे बड़ी चीज होती है दूसरी चीज़ होती है कि उस फाउंडर को सेक्टर की कितनी नॉलेज है क्योंकि गलत बिजनेस मॉडल बनाना बिजनेस मॉडल ही गलत है दैट इज़ अ वेरी मतलब ज़्यादातर कंपनी बाद में जाके ना इसलिए शट डाउन हो जाती है कि उनका मॉडल ही गलत था जो शुरू से चला रहे थे वो इन्वेस्टर मनी पे चल रहा था तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ वाइट हैड जूनियर बिकी थी बाईजूस को आई थिंक वन ट्वेंटी मिलियन डॉलर या ऐसे कुछ बिकी थी तो करण बजाज जो थे आ, उन्होंने लोगों ने बहुत पूछा उनसे कि आपने कैसे इतनी फंडिंग रेस करी और बाद में कंपनी बेच दी तो उसने कुछ पॉइंटर्स दिए थे तो मुझे वो पॉइंटर्स बहुत अच्छे लगे आ, पहला मुझे ये लगा कि कंपनी की प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है और उसकी अगर ग्रोथ कर्व दिख रहा है पूरा नाइके वाला तो वो कहाँ से आ रहा है फिर उसको स्टडी करो कि अगर ये कंपनी यहाँ तक इसका इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है तो वो चीज़ मार्केट में वाकई में बहुत अच्छे लेवल पे हेडविंड्स टेल विंड्स हैं उसकी या नहीं तो वो एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ वो कहते थे कि मार्केट के जो आ, मार्केट साइज है वो कितना बड़ा है अभी आपको पता है आ, आ, आउट ऑफ होम होता है जैसे आपको होर्डिंग्स दिखते हैं डिजिटल उसी तरह से डिजिटल आउट ऑफ होम होता है वो क्या करते हैं कि जैसे मॉल में आप खड़े हो स्क्रीन पे ऐड आ रही है तो वो स्क्रीन का जो पीछे से कनेक्शन है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ होगा जो आप जो वहाँ पे लोग खड़े हैं ना उनके मोबाइल से डेटा मिल रहा है उसको कि ये बंदे की क्या प्रेफरेंस है और वो उसी टाइप से आपको ऐड दिखाने लग जाता है तो इस कम एक कंपनी आई थी मेरे पास रियली बिलीव मी वो चारों बंदे दे वर रियली इंडस्ट्री के लोग थे उनको बड़ी समझ थी और उनको डी की भी बहुत समझ थी लेकिन मैंने कुछ इन्वेस्टर से बात करवाई उनकी जब मार्केट साइज देखा टोटल पचास करोड़ का मार्केट पूरे इंडिया में तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना के क्या करोगे जिसमें अगर आप फिफ्टी परसेंट मार्केट शेयर ले लो तो पच्चीस करोड़ का टर्न है तो इसलिए मार्केट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हो नई जिससे आप मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीटर से आप कैसे डिफरेंट हो जैसे आप देखो कैफे कॉफ़ी डे आया है ना तो लोग जाते थे अब वहाँ पे खाने का ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था तो उन्होंने बाद में काफ़ी खाने की चीज़ें ऐड कर दी उसमें राजमा चावल भी कर दिए और बहुत कर दिया बरिस्ता आया है तो उसकी एक अलग फील थी फिर स्टारबक्स आ गया मुझे पता नहीं लोग कैसे पीते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी मतलब अनबियरेबल हाँ उसके बाद आजकल थर्ड वेव आया तो लोग कहते हैं यार स्टारबक्स में तो गंदी कॉफ़ी मिलेगी और थर्ड वे में चले जाओ कॉफ़ी भी अच्छी मिलेगी बैठने का भी अच्छा मिलेगा स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट मिलेगा और रेट टॉप एंड मिलेगा बट बेटर देन बरिस्ता बेटर देन कैफे कॉफ़ी डे बेटर देन स्टारबक्स तो कंपेटिटिव डिफ्रेंसीशन है ना तो वो है और लास्ट चीज़ ये है कि भैया जो पैसे मांग रहा है उस पैसे का क्यों मांग रहा है इतने पैसे और करेगा क्या उसमें पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो उसने प्रॉफिटेबल स्टाइल में बनाया है या फिर लॉस मेकिंग स्टाइल में बनाया है यानी इन्वेस्टर का पैसा बर्न करके चला रहा है या फिर एक्चुअल में बिजनेस करके तो यूनिट इकोनॉमिक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी मैनेजमेंट टीम सबसे इंपॉर्टेंट है ही बिकॉज वो हॉर्सेज हैं जिसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो जो उसको ड्राइव करेगा जैसे थर्ड वेव कॉफी के जो मैनेजमेंट है वो कैफे कॉफ़ी डे से टूट के आई है पूरा कॉफ़ी बिजनेस पता है उनको तो आ, ये चीज़ें हैं जो करण बजाज का मैंने देखा था तो आ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर आज की रेट में अगर एक 24 साल का व्यक्ति है बैंगलोर हैदराबाद या लच गुड़गांव में तो हाउ कैन दे फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की फॉर द राइट पर्सन मतलब आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि आप किसी इंटरव्यू में जो बंदा इंटरव्यू कर रहा हो क्या यार बंदा सही है थोड़ा बहुत कम आता था उसको बट उसका एटीट्यूड बहुत सही था और कॉन्फिडेंस बहुत था और करना चाहता है क्योंकि मैंने देखा मेरे जो एम के कोलीग्स जॉब्स uh, में हैं ओवर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स दे हैव बीन डूइंग अ जॉब उनमें से बहुत सारे तो बॉल्ड हो गए या उनके सॉल्ट एंड पेपर आ गई बालों में और जिन्होंने फिटनेस का ध्यान नहीं दिया था वो एकदम से ओवरवेट हो गए और जो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दिया तो ओवर हो गए उनको हेल्थ इश्यूज हो गए तो इस वजह से मतलब इट्स नॉट इजी टू बी अ कंटिन्यूड सक्सेस इन द जॉब इसमें बहुत सालों तक बहुत एफर्ट करना पड़ता है तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी आपने पूछा कैसे कैसे ढूंढनी चाहिए लिंगडिन uh, भी अच्छा ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन है लिंगडिन क्योंकि आप डायरेक्टली सीनियर लोगों से कनेक्ट कर लेते हो अगर आप किसी से वॉम इंट्रो करा सकते हो कि मेरी कजन है वो अडोब के अंदर एच में सीनियर है तो कह रही थी उसको बॉम्बे पूना जाना है आ, तो मैंने कहा तू तो, तो अडोब में है तेको तो मिल जाएगा कह रही थी भैया वॉम इंट्रो दे दो तो मैंने क्या किया कि मेरे कॉलेज का सीनियर था इंजीनियरिंग का वो आ, आ, बाद में उसने एक्सएल किया था तो वो ओला में एच हेड था अभी वो किसी आई कंपनी में एच हेड था उसको कॉल किया मैंने कहा एक वार्म इंट्रो चाहिए यार तो उसने पता कि अच्छा ओडोब की लड़की है तो नेचुरली कोई इशू भी नहीं है वार्म इंट्रो देने में तो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप एच वाले जो बने हुए थे उसमें डाल दिया कि यार मेरी एक एक है वो अचानक से एक ओपनिंग निकल आई बॉम्बे में और वो जो एच आर के पास ओपनिंग थी उसने बोला हाँ मुझे सी अच्छा है वार्म इंट्रो उसका हो गया इंटरव्यू आई ऑस्ट्रेलिया था उसकी बॉम्बे की जॉब थी तो अच्छी कंपनी थी तो ऐसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही होती है कि आपने दस कंपनी में पैसा डाला हुआ है अब वो फाउंडर आपके क्लोज हैं आपका उनके साथ पाँच से दस साल का रिलेशनशिप चल रहा है रिलेशनशिप तो रखना पड़ता है वो कहता है सर एक कंपनी बहुत अच्छी आई है मैं आपको पर्सनली मिलवाना चाहता हूँ बंदा उसको सीरियसली देखता है कि यार ये फाउंडर दे रहा है कंपनी उसको वार्म इंट्रो बोलते हैं और कोल्ड तो ये होती है सर ये रहा पिच डेक सर करो इन्वेस्ट <laughs> है क्या घंटा करो इन्वेस्ट यार मतलब पिच डेक फेंक रहा है सुबह सुबह थैंक यू सो मच टू शार सर फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन आई लव डिट आई होप ऑडियंस में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा सो मच थैंक यू